ये सर 3 महीना हो गया हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं मिला, हमारे बीवी बच्चे बाल बच्चे क्या खाएंगे, क्या हम लोग रोड पर सुतेंगे, कोई लाके हम लोग को देगा, हम लोग काम कर रहे हैं ना तनख्वाह मिल रहा है ना कोई हम लोग का वेतन का सैलरी का पता चल रहा है ना, हम लोग जीवन भर ठेकेदारी में करते रह जाएंगे, कुछ होगा कि नहीं होगा हम लोग के लिए। माह तक किया जा चुका है, ये अक्टूबर माह चल रहा है, इस अक्टूबर माह के भुगतान के लिए भी सभी को बोल दिया गया है कि माह के पहले 3 दिवस में कर्मचारियों के खाते में त्यौहार को देखते हुए पैसा अवश्य डाल दिया जाए। अभी सभी कर्मचारियों को भी हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि अक्टूबर माह का वेतन भी इनके खाते में दिवाली के पूर्व पहुँच जाएगा, और सभी ठेकेदारों को भी बोला गया है कि वो कर्मचारियों को यदि वो किसी के ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो, किसी के त्यौहार की वजह से कोई आवश्यकता हो तो उसको वो एडवांस में पूर्ति कर देंगे, वो वेतन का इंतजार नहीं करेंगे और समय से अक्टूबर माह का बिल अपना जनरेट करें ताकि नगर निगम उनका भुगतान कर सके। गोरखपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी पर हो चुकी है। यहाँ पर कहने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के अगर हम नाले और नालियों की स्थिति को देखें तो पूरी तरह से यह चोक हो चुके हैं। यह इस तरह से गंदगी से भरे हुए हैं कि लगता ही नहीं यहाँ के सफाई कर्मी आते और जाते होंगे। पूरी तरह से नाले कचड़े कूड़े से भरे हुए हैं। दावा तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन हकीकत तब पता चलती है जब प्रदेश का मंत्री यहाँ पर आकर निरीक्षण करता है और 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर